सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का चौथा पाद प्रारंभ करते हैं। वेदांत दर्शन की ये 59वीं कक्षा है। तृतीय पाद में प्रकृति की अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति का क्रम और उसको विपरीत करें तो प्रलय का भी क्रम, मुख्य रूप से उत्पत्ति का क्रम बताया गया। उसी प्रसंग को लेते हुए कुछ अन्य चर्चा यहां चौथे पाद में प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला सूत्र है तथा प्राणः, उसी प्रकार से प्राण भी है। किस प्रकार से? तो जो पीछे से चल रहा है उसी के साथ हमें संगति लगानी होती है, क्योंकि यथा तथा वैसा ही है। तो वैसा ही है मतलब पहले भी कुछ ना कुछ कहा गया है, उसके अनुसार ही हम अर्थ लेते हैं। तो यह तथा का मतलब फिर लिया जाता है कि जैसे पीछे आकाश आदि की उत्पत्ति बताई, वो उत्पत्ति वाले थे, वैसे प्राण भी उत्पत्ति वाले हैं, उनकी भी उत्पत्ति होती है। ये सूत्र का तात्पर्य है, इसको भाष्यकार ने खोला है। प्राणः अत्र इंद्रियाणि लक्षन्ते, इनका कहना है कि यहाँ प्राण का मतलब इंद्रियों को संकेतित किया जा रहा है, लक्षित किया जा रहा है, प्राण यानी इंद्रियां। तद्यथा, अब उसको पुष्ट कर रहे हैं कि प्राण का मतलब इंद्रियां कहाँ कहा गया, शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। तो अतः प्राणा अहम श्रेयसी व्युदिरे, प्राणों में प्राण एक दूसरे को से एक साथ विवाद करने लगे कि अहम श्रेयसी, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, अहम श्रेयान अस्मि, अहम श्रेयान अस्मि, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचु, और ये प्राण अपने प्रजापति, प्रजाओं के पालक, सबके उत्पत्ति करने वाले परमात्मा के पास जाकर के, पिता के पास जाकर के बोले निर्णय करने के लिए, जैसे बच्चे पिता के पास पहुंच जाते हैं छोटे बच्चे, ऐसे। तो यहां पर प्राण का मतलब, अब और आगे भी जो चर्चा आएगी तो वो इंद्रियों को लेकर के है। तो इति प्रकृति, ऐसा वर्णन करके फिर अगला वचन आगे क्या मिलता है, साहवाग उच्चक्रामा, तो वाणी वहां से शरीर से निकल गई, बाहर चली गई। ऐसे ही चक्षुरहा उच्चक्रामा, फिर बाद के क्रम में चक्षु चली गई, और श्रोत्रम हा उच्चक्रामा, फिर श्रोत्र चला गया, अर्थात ये इंद्रियां चली गई। ये तो स्पष्ट ही इंद्रियों के नाम है, और प्रसंग से पता लगता है कि प्राण का मतलब इंद्रियां लिया गया है। तथा और कह रहे हैं पुष्टि के लिए, यह एष विज्ञानमय पुरुष, ये जो जानने वाला पुरुष है आत्मा, तद एषाम प्राणानाम विज्ञान न विज्ञानम आदय, इन प्राणों के विज्ञान से विज्ञान को लेकर के, प्राणों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है उनकी जानने की शक्ति को वहां से लेकर के, यह एशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन शेते, ये जो अंदर हृदय आकाश है वहां जाकर के सो जाता है। ये कथन है केवल इस दृष्टि से समझाने के लिए, उपमा है, क्योंकि सोने के बाद में देखना सुनना चखना होता नहीं है गाढ़ निद्रा में, तो क्यों नहीं कर पाते इंद्रियां? तो बोले जैसे कि आत्मा इन इंद्रियों की जानने की शक्ति को लेकर के और सो गया। अब जैसे कि कहीं बहुत सारे कमरे हों, ताले हों, अब कोई व्यक्ति सबको बंद करके और चाबियां लेकर के अपने पास रख करके बंद करके और सो जाए, ना वो खुल नहीं सकते। तो ऐसे आत्मा इन सब के ज्ञान को, विज्ञान को जो ग्रहण करने की शक्ति, उसको लेके जैसे हृदयाकाश में जाकर के सो जाता है, हृदयाकाश में स्थित होकर सो जाता है। तो कुल मिला के इंद्रिय मतलब प्राण। तो इंद्रियाणाम विज्ञानम गंधादिकम आदाय इति कथनात्, तो यहां पर इंद्रियों के विज्ञान को मतलब गंधादि को, गंध रस आदि जो है उनको लेकर के ये कथन होता है। आगे सूत्रे तथा शब्द, तथा शब्द जो दिया गया वह उत्पत्ति क्रम पराम
उपमाम आह, उत्पत्ति क्रम को बताने वाली उपमा को कह रहे हैं। जैसे पीछे उत्पत्ति का क्रम कहा गया था, यानी उत्पत्ति होती है और क्रम था, जैसे वो वैसे ही ये उपमा दी जा रही है, समझाया जा रहा है। तत्र उत्पत्ति क्रमे प्राणाः खलु उपमीयन्ते विद वेदादिभिः उत्पत्ति मतभी। या प्राणों की दूसरों से उपमा दी जा रही है। तो प्राण तो हो गए उपमेय, जिसको समझाना है वो तो है प्राण, और जिसके द्वारा समझाया जाता है वो उपमा होती है, उपमान होता है, उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। तो तत्र उत्पत्ति क्रमे प्राणा खलु उपमीयन्ते, प्राणों को उपमित किया जा रहा है, ये उपमेय है। किन से किया जाता है? वेद आदि भी ही उत्पत्ति मत भी, जो उत्पत्ति वाले वियत आदि हैं। वियत का मतलब आकाश। पीछे 2-3-1 उसी अध्याय के तीसरे पाद का जो पहला सूत्र है, वो प्रसंग जहां से उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ था, ये न वियत अश्रुते है, न वियत अश्रुते, वो जो वियत शब्द था, तो उस क्रम को संकेतित किया इन्होंने। तो जो उत्पत्ति वाले आकाश आदि हैं उनसे इसकी तुलना की जाती है। यतो ही अनंतरो अतीतः पादः, क्योंकि इसके अनंतर वाला, अनंतर का मतलब अतीत वाला, पिछला वाला जो अनंतर है, निकट जुड़ा हुआ पाद है, वो उत्पत्ति प्रकरण का आसीत, उत्पत्ति प्रकरण वाला था। तत्सन्निहित अन्य पाद प्रारंभे अपि उत्पत्ति विषयता भवितव्यम्। तो उसके साथ का जुड़ा हुआ जो ये पाद प्रारंभ हो रहा है, यानी चौथा, इसको भी उत्पत्ति विषय वाला होना चाहिए, तथा शब्द के आधार पर। तस्माद् अत्र प्राणानाम उत्पत्ति मत्वम अभिलक्ष्य उपमानम अभिहितम्। इसलिए प्राणों की उत्पत्ति को लक्षित करके यहां पर उपमान का कथन किया गया है, उपमा को बताया गया है। यथा वियदादय है, उस उपमान को बता रहे हैं, जैसे आकाश आदि उत्पत्ति वाले हैं उत्पत्ति मंतस, तथा प्राणा इंद्रियाणि अपि उत्पत्ति मंती, प्राण अर्थात इंद्रियां भी उत्पत्ति वाले, इनकी भी उत्पत्ति होती है। प्रसंग इसलिए उठाया इन्होंने क्योंकि आगे इस बात को कहेंगे कि वो जो प्रसंग था हमारा, इतस्माद्वा इतस्माद् आत्मनः आकाश समूत है आकाशात वायु, इसमें प्राणों की या इंद्रियों की उत्पत्ति तो कही नहीं गई है। तो चूंकि वहां प्राणों की इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं कही गई है, इससे पता लगता है कि उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति होती तो वहां कह देते, ये एक उसमें आक्षेप छुपा हुआ है, उसके समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो उत्पत्ति होती है, अब इस पर कोई अगर आक्षेप करे कि ये जो उत्पत्ति कहीं कही भी गई है, देखिए भाष्य अगला सूत्र है गौणी असंभवात। कोई कहे कि अन्य जगह जो कहीं प्राणों की उत्पत्ति कही भी गई है वो गौणी है, गौण कथन है, वास्तव में उत्पत्ति नहीं होती है इनकी, तो गौणी के असंभव होने से, यानी उत्पत्ति तो उनकी वास्तविक ही है, गौण नहीं है। भाष्य देखिए, गौणी असंभवात को खोला इन्होंने, गौण्यः असंभवो गौण्य संभवः, यानी यहां पर षष्ठी समास किया है मैंने, गौणी के असंभव होने से, षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि केनचित उच्चेता, कोई पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे, यत् प्राणानाम उत्पत्ति यत्र क्वचित श्रूयते सा गौणी न मुख्या, जहां कहीं प्राणों की उत्पत्ति कही गई है, क्वचित श्रूयते, ये दीर्घ उ कर लीजिए इसको, श्रूयते सा गौणी न मुख्या, वो गौण उत्पत्ति कही गई है, मुख्य उत्पत्ति नहीं कही गई। क्यों? यतो वियदादीनाम उत्पत्ति प्रकरणे न किल प्राणानाम उत्पत्ति प्रदर्शिता, क्योंकि वियदादि की जो आकाश आदि की उत्पत्ति कही गई थी, वहां प्राण की उत्पत्ति कही नहीं गई है। तो जहां कहीं अन्य स्थलों पर प्राण की उत्पत्ति कही गई है, वो गौण रूप से कह दिया गया, वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का भाव है। तो वहां प्राणों की उत्पत्ति नहीं कही गई है, उसको बताने के लिए इसने वचन दे दिया है पूर्व पक्षी ने, तैतृय उपनिषद वाला, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशात् वायु, वायो अग्नि, अग्नेरापः अध्वयः पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः और औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः इति, ये हो गया। तो यहां कहीं भी प्राण या इंद्रियों का कथन नहीं आया। तो इसके ऊपर, ये तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, इसके लिए सिद्धांती कह रहे, तरही
सा न गौणी कल्पनीया, वो गौणी उत्पत्ति प्राणों की इंद्रियों की गौण उत्पत्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनको मुख्य ही उत्पत्ति माननी चाहिए। कुतः, क्यों मुख्य माननी चाहिए? तो तस्या गौण्या गौणी कल्पनाया असंभवात, बोले जो गौणी कल्पना आप कर रहे हो, गौण कथन कर रहे हो, वो संभव नहीं है। गौण कथन किस आधार पर कर रहे हैं? ये तस्माद वा ये तस्माद आत्मना, इस वचन के आधार पर, क्योंकि यहां प्राण का कथन नहीं किया गया, इंद्रियों का कथन नहीं है, इसलिए गौण है। तो बोले जी, जो आप गौण की कल्पना कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, इससे भी गौणी कल्पना संभव नहीं है, इस वचन से भी। गौणी असंभव, गौणी के असंभव होने से। आगे देखिए, तो तस्या गौण्या गौणी कल्पनाया असंभवात। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, कथम असंभवत्वम, असंभव कैसे है गौणी कल्पना, असंभव कैसे है? पूर्व पक्षी तो कह रहा है गौणी कल्पना संभव है, कैसे संभव है गौणी कल्पना? प्राणों की उत्पत्ति की गौणी कल्पना संभव क्यों है, ये गौण क्यों है? जहां उत्पत्ति कही गई, क्योंकि यहां नहीं कही गई है। तस्माद वा एतस्माद आत्मना, इस वचन में चूंकि उत्पत्ति नहीं कही गई इसलिए वो गौण है, ये पूर्व पक्षी बात को रख रहे हैं। तो पूर्व पक्ष ने कथम असंभवत्वम, बोले गौणी का असंभव क्यों है? सिद्धांति कह रहे हैं गौण संभव नहीं है, मुख्य ही संभव है। तो सिद्धांति कह रहे हैं यत तत्रैव वचने यत गौणी साधनाएं अवलंब्यते, बोले यहां पर भी ये जो वचन है एक तस्माद वा एतस्माद आत्मना, यहां पर उस गौणी वृत्ति को सिद्ध करने के लिए आलंबन लिया गया। गौणी साधनाय अवलंब्यते, गौणी वृत्ति को यहां पर इस उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए यहां भी गौणी वृत्ति का ग्रहण किया गया है। प्राणों की उत्पत्ति गौण है इसका तो सिद्धांति खंडन कर रहा है, वास्तविक है वो। तो बोले कि कैसे वास्तविक है? तो बोले देखो यहां पर उसकी वास्तविकता पता लगती है। कैसे? बोले देखो यहां लिखा है अन्नात पुरुष इति, अंत में लिखा है ना, औषधिभ्यो अन्नम पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नात पुरुष इति। अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है, पुरुष का क्या मतलब होता है? आत्मा, पुरुष का मतलब आत्मा होता है ना। आपने शरीर अर्थ लिया वो ठीक है, क्योंकि अन्न से शरीर ही उत्पन्न होता है। तो पुरुष शब्द के होते हुए भी शरीर अर्थ कैसे ले लिया? ये मुख्य अर्थ लिया या गौण अर्थ लिया है? गौण अर्थ लिया है ना, अन्नात, अन्न से उत्पन्न हुआ, तो अन्न से तो आत्मा तो उत्पन्न नहीं होती, और आत्मा तो नित्य है, ये हमको अन्य जगह से सिद्धांतों से स्पष्ट है। तो अन्नात पुरुष है जब कहा गया था, तो पुरुष मतलब ये शरीर की बात चल रही है, आत्मा की बात नहीं चल रही है ये, जबकि पुरुष शब्द आत्मा के लिए लिया जाता है मुख्य रूप से, प्रकृति पुरुष चेतन के लिए लिया जाता है, और यहां शरीर की जड़ की उत्पत्ति कही गई है। तो बोले देखो अन्नात पुरुष है, तो पुरुष है इति शरीरम, पुरुष शब्द का मतलब यहां पर है शरीर। तो शरीर से उत्पत्ति विहिता है, यहां शरीर की उत्पत्ति कही गई है ना, यहां कही गई। और शरीर किसे कहते हैं? तो शरीरम ही खलु प्राणानाम इंद्रियाणाम आयतन, शरीर प्राणों का और इंद्रियों का आयतन है, आधार है। और न्याय दर्शन का वचन दे दिया इन्होंने, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, चेष्टा इंद्रिय और अर्थों का जो आश्रय है उसे शरीर कहते हैं। इंद्रियां भी तो शरीर के अंतर्गत आ गई, तो जब शरीर की उत्पत्ति कही गई है तो इंद्रियों की भी उत्पत्ति हो गई। तो तस्मात् प्राणायतनस्य शरीरस्य उत्पत्तिमत्वात्, इसलिए प्राणायतन का, प्राणायतन मतलब शरीर की उत्पत्तिमत्वात्, उत्पत्ति वाला होने से प्राणानाम अपि उत्पत्ति सूत्राम स्पष्टा, प्राणों की उत्पत्ति भी होती है। तस्मात् प्राणानाम उत्पत्ति क्वचित श्रुति वचने अनुक्ता गौणी न मंतव्या, तो अन्य जगह जहां पर प्राणों की उत्पत्ति कही गई है वो गौणी नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि यहां भी तो उत्पत्ति कही गई है। गौण्या खलु असंभवात, गौणी वृत्ति संभव नहीं है। तो एक दृष्टि से तो इसका उत्तर ये हो सकता है जो आगे ये देंगे कि भाई यहां पर नहीं कही गई है, कोई बात नहीं, ये प्रसंग विशेष से स्थूल द्रव्यों की उत्पत्ति यहां पर कही गई है, प्राणों की यह उत्पत्ति यहां नहीं कही गई, इससे यह थोड़ा सिद्ध हो जाता है कि प्राणों की उत्पत्ति होती ही नहीं है,
जहां प्राणों की उत्पत्ति कही गई है बस उससे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहां इन्होंने दूसरे ढंग से कहा, उसके ही वचन को लेते हुए कि आपने देखो ये कहा है कि प्राणों की उत्पत्ति नहीं बताई गई यहां पर, तो बोले अन्नात पुरुष है, और यहां गौण वृत्ति का सहारा ले लिया, लेकर के पुरुष का मतलब शरीर, और शरीर में इंद्रियां भी रहती हैं, उनकी भी उत्पत्ति आ गई, इन सबका कथन हो गया। तो प्राणों की उत्पत्ति तो इससे भी सिद्ध होती है, इसलिए गौणी गौणी वृत्ति से गौणी के तो असंभव होने से, यानी प्राण की उत्पत्ति की जो आप गौणी गौण दृष्टि से देख रहे थे, केवल कथन मात्र समझ रहे थे, वो तो संभव ही नहीं है, उसकी तो वास्तव में उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सिद्धांती पूर्व पक्षी की गौण वृत्ति का निषेध कर रहा है, किसके बारे में? इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में। लेकिन उसने गौण वृत्ति की सहायता लेकर के अन्नात पुरुष यहां पर गौणी वृत्ति को दिखा करके इंद्रियों की उत्पत्ति सिद्ध की है, यहां गौण वृत्ति का उपयोग किया गया, गौण वृत्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में जो गौण वृत्ति पूर्व पक्षी मान रहा है उसका खंडन कर रहे हैं। गौण वृत्ति का तो प्रयोग किया ही जाता है, मुख्य वृत्ति अभिधा नहीं घटती है तो लक्षणा से लिया ही जाता है, परोक्ष अर्थ लिया ही जाता है, लक्षणिक अर्थ लिया ही जाता है। ठीक है, लक्षणिक मतलब लिंग वाला अर्थ है, लक्षणिक अर्थ है, लक्षण से जो आता है, परोक्ष अर्थ जो आता है वो लिया ही जाता है, तो यहां पर भी ले लिया गया, हो गया स्पष्ट ही। आगे देखिए तीसरा सूत्र, तत्प्राक श्रुतेश्च, बोले इसके इनकी श्रुति यानी प्राणों की उत्पत्ति इन महाभूतों से पहले भी कही हुई है, अन्य जगहों पर इससे पहले कही हुई है, वो वर्णन मिलता है हमारे को। तो तत्प्राक श्रुतेज है, भाष्य देखिए, तत्प्राक, तत्प्राक को खोला, तेभ्यो वेदादिभ्य पूर्वम, उन आकाश आदि से पहले प्राणानाम उत्पत्ति विषय पराया श्रुते हेतोश्च, प्राणों की उत्पत्ति परक जो श्रुति मिल रही है इस हेतु से, श्रुति का मिलना ही एक हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे चकारात स्मृतेश्च हेतोरपि प्राणानाम उत्पत्ति स्वीकार्या, श्रुतेश्च सूत्र में जो च शब्द पड़ा इससे इन्होंने स्मृति का भी ग्रहण कर लिया है, और श्रुति भी मतलब कुछ और है तो स्मृति का ग्रहण कर लिया, स्मृति से भी प्राणों की उत्पत्ति स्वीकार करनी चाहिए। अब इसमें श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, श्रुतिस्तावत एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर् ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, तो बोले एतस्माद् जायते प्राणो, इससे देखो प्राण उत्पन्न होते हैं, प्राण शब्द कह दिया ना, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मन और सारी इंद्रियां, और खम वायु ज्योतिरापः, ये महाभूतों का वर्णन आ गया, आकाश वायु ज्योति मतलब अग्नि, आपह जल, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, पिछ को धारण करने वाली पृथ्वी, तो यहां पर प्राणों की उत्पत्ति कही गई है। ठीक है, इन्होंने वचन दे दिया, तो मूल में सूत्र में चूंकि प्राण शब्द था इसलिए ये प्राण शब्द वाला इन्होंने लिखा है, यद्यपि यहां पर प्राण का मतलब बुद्धि लिया जाता है, क्योंकि मन और सर्वेंद्रियां अलग से लिखे हुए हैं, यहां प्रारंभ में या पूरे में ब्रह्मुनि जी जिस तरह अर्थ कर रहे हैं, प्राण का मतलब इंद्रियां कर रहे हैं, प्राण का मतलब इंद्रियां कर रहे हैं, मतलब समस्त इंद्रियों का ग्रहण कर रहे हैं। अब ये जो वचन दिया गया है इसमें प्राण शब्द है यद्यपि, और इंद्रिय शब्द भी है और मन शब्द भी है, अब प्राण का मतलब क्या लिया जाएगा? अब बुद्धि लिया जाएगा या मुख्य प्राण लिया जाएगा, यानी मन और इंद्रियों को छोड़ करके लिया जाएगा, किस न्याय से करेंगे? क्यों संगत है ये? परिशेष न्याय नहीं बोलते इसको, इसको गो बलिवर्धन न्याय बोलते हैं, गो बलिवर्धन न्याय, गो का मतलब स्त्री, गो का मतलब स्त्री और पुंग दोनों को लिए जाते हैं। ठीक है, और बलिवर्द का मतलब तो पुंगो ही लिया जाता है, बैल बलिवर्द या सांड, पुरुष का ही ग्रहण किया जाता है, जबकि गो शब्द से दोनों का ग्रहण होता है, लेकिन अगर कहीं गो और बलिवर्द दोनों लिखे हुए हों तो अब यूं नहीं कहेंगे कि नहीं गाय शब्द से पुंगो और स्त्री को दोनों का ग्रहण हो गया और बलिवर्द शब्द यहां पर गलत लिखा हुआ है। अब गाय शब्द से क्या अर्थ लेंगे हम? केवल स्त्री गो का ही ग्रहण करेंगे क्योंकि बलिवर्द आगे लिखा हुआ है,
तो प्राण शब्द से भले ही इन सब इंद्रियों का ग्रहण होता है, वो प्रमाण भी उन्होंने दे दिया, शास्त्र में ऐसा ग्रहण किया जाता है, लेकिन यहां इस वचन में जब प्राण और मन और इंद्रियां अलग, प्राण के अतिरिक्त मन और इंद्रियां पढ़े गए हैं, तो प्राण शब्द से मन और इंद्रियों का ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है, गोबलीवत ने ऐसे। लेकिन कुल मिला के ये बताना चाहते हैं, प्राणों की उत्पत्ति होती है और इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और वो आकाश आदि से पहले होती है। जायते शब्द लिखा हुआ है और उदाहरण दे रहे हैं, सब प्राणम अस्त्रिजत, प्राणात श्रद्धाम खम वायुर ज्योति रापह पृथ्वी, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सब प्राणम अस्त्रिजत, उसने प्राण की उत्पत्ति की। अब यहां पर प्राण से फिर विचारणीय हो जाता है कि प्राण से क्या ग्रहण करें, लेकिन प्राण को उत्पन्न किया ये तो सीधे सीधे वचन मिल ही रहा है, प्राण का प्रसंग चल रहा है। तो प्राण से फिर श्रद्धा को, सत्य पर आस्था को, खम आकाश वायु ज्योति आप पृथ्वी, तो इन आकाश आदि की, पृथ्वी आदि महाभूतों की उत्पत्ति से पहले प्राण की उत्पत्ति यहां पर कही गई। तो तत्प्राक श्रुते, पहले ही उसकी उत्पत्ति हो गई, तो उत्पत्ति तो बताई जा रही है। अब ये जो वचन दिया है प्रश्नोपनिषद का, ये वो प्रसंग है जो 16 कलाओं को बताया गया है, 16 कलाओं का वर्णन है। उन 16 कलाओं में पृथ्वी के बाद में और भी बताई चीजें बताई गई हैं, और वहां फिर इंद्रिय शब्द पढ़ा हुआ है। पृथ्वी के बाद में इंद्रियम मनो अन्नमलम अन्नमलात वीर्यम तपो मंत्रः कर्मलोकः लोकेषु च नाम च, ये सब वहां पर वर्णन किए गए। तो प्रश्न तो वहां पर भी फिर उठ जाएगा कि भाई ये जो प्राण शब्द है, प्राण का मतलब इंद्रिय, तो पृथ्वी के बाद में फिर वहां पर इंद्रिय शब्द पढ़ा गया है। तो या तो हम उस दृष्टि से देखेंगे कि महाभूतों के बाद में अगर इंद्रियों की उत्पत्ति मानी जा रही है, तो वो भौतिक इंद्रियों की उत्पत्ति स्वीकार करेंगे, भौतिक इंद्रियों की, गोलकों की, अगर बाद में ही कही गई है और बाद में ही उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, तो वही संगति लग सकती है। और यदि वहां पर इंद्रियों का मतलब मूल इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां ही हैं, तो फिर हमें उस क्रम का आश्रय नहीं लेना होगा कि यह क्रम बताया तो ये इसके बाद ही हुई है। अर्थक्रम वहां बलवान हो जाता है, पाठ क्रम से अर्थक्रम बलवान हो जाता है, यह भी मीमांसा के अंदर आगे आएगा। अब जैसे हम अघमर्षण मंत्र बोलते हैं, उसमें पहले क्या उत्पन्न हुआ, सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्व मकल्प है, दिवंच पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथोस्व, आगे ऋतम च सत्यं च अभिधात तपसो अध्यजायत ततो रात्रे जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्राद अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायत। तो इसमें कोई क्रम वाली बात सब जगह घट जाएगी, नहीं घटेगी, कि ये उसी क्रम से है, वो उसके बाद होता है, बाद होता है, लेकिन वो घटेगा नहीं पूरा। तो जहां पाठक्रम संगत नहीं हो रहा है, वहां अर्थक्रम लिया जाता है। हम ये नहीं पकड़ लेंगे वहां पर कि नहीं, यहां इस तरह से लिखा हुआ है तो इसी क्रम से उत्पन्न हुए, अगर संगति लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, पाठक्रमात अर्थक्रमो बलियान, ये एक नियम है, सिद्धांत है, उल्टा नहीं करेंगे उसको। किसी को कहा कि चाय बना लो, दूध गर्म कर लो, रोटी बना दो, रोटी कैसे बनाते हैं, तवे पे सेक देते हैं, आटा उसना, लोए बनाते हैं, आटा उसनते हैं, बेलते हैं, सेकते हैं, क्या क्या करते हैं रोटी बनाने में, सेकते हैं, लोए बनाते हैं, आटा उसनते हैं, बेलते हैं। अब ये चार चीजें यूं कह दी इस क्रम से, क्रम तो ठीक नहीं है ये, लेकिन होती चारों चीजें हैं वहां पर, जो पता है तो वहां हम पाठ्यक्रम को नहीं लेंगे, हम उसी क्रम से लेंगे कि पहले तो सेकेंगे और फिर लोहे बनाएंगे, फिर आटा उसनेंगे और फिर बेलेंगे, ये नहीं होगा। भले ही जो भी आगे पीछे कहा है, कहने में आ गया है, लेकिन समझने वाले, पाठ्यक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है कि ये बनता कैसा है वही क्रम लिया जाएगा। अब ये पाठ्यक्रम का मतलब जो कहा गया या लिखा गया है वो बदल, उसको बदल देते हैं, ऐसा बहुत जगह मिलेगा, तो वो अर्थसंग्रह में भी आ जाएगा। हाँ, तो ये तो भाषा का एक प्रक्रिया है मीमांसा, और वो सब सिद्धांत स्वीकार करते हैं।
तो इसलिए अगर आगे पीछे भी हो तो वो कोई विशेष बात नहीं है, वो तो हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो खैर, इसमें इन्होंने कुल मिलाकर के प्राणों की उत्पत्ति की बात कही है, प्राण भी उत्पन्न होते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है प्राण उत्पन्न नहीं होते, वो गौण कथन है, बोले नहीं ये मुख्य कथन है। अब स्मृति का कथन कर रहे हैं, स्मृति रपि, तो दर्शनों को भी स्मृति में लिया जाता है। सांख्य दर्शन का वचन दिया, सत्वरजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति, सत्वरजस्तम ये जो तीन कण हैं इनकी साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। अब प्रकृति से महान महतत्व उत्पन्न होता है, और मह तो अहंकारो, महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकारात् पंच तन्मात्राणि है, अहंकार से पांच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां, उभयम इंद्रियम मतलब ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, और तन्मात्रे पे स्थूल भूतानि, तन्मात्रों से स्थूलभूत होते हैं। उभयम इंद्रियम से सभी का ग्रहण हो जाता है, मन का भी ग्रहण हो जाता है, वहां पर हमें लेना ही होता है। तो यहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति की बात कही है, ये स्पष्ट है। इसका एक अर्थ भाषा की दृष्टि से गलत, वो एक पुस्तक में बता रही थी माता जी, बोले उसमें ये लिखा है महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से पंचतन मात्राएं उत्पन्न हुई, और पंचतन मात्राओं से दोनों इंद्रियां उत्पन्न हुई। पंचतन मात्राओं से इंद्रियां लिखा है ना, देखो अहंकारात पंचतन मात्राणी, अहंकार से पांच तन मात्राएं, और उभयम इंद्रियम, पंचतन मात्राओं से दोनों इंद्रियां उत्पन्न होती है। उस पुस्तक में था वो, माता जी को उन्होंने दिखाया कि वो सुगमा माता जी ने उन्होंने दिखाया कि जी ये इसमें लिख रखा है कि पांच तन मात्राओं से इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, ऊपर सांख्य का सूत्र दे रखा है, और बोले देखो ये यहां पर ये कैसे समझ में नहीं आए, तो प्रमाण लिख रखा है। तो उसको भाषा को न समझने से ऐसा भी अर्थ कोई निकाल ले तो खैर। अब यहां तो स्पष्ट है अहंकार से पांच तन्मात्राएं और इंद्रियां उत्पन्न होती है, दोनों इकट्ठे हैं। यहां पर यूं नहीं लिखा है कि पांच तन्मात्राओं से इंद्रियां, से थोड़ा लिखा हुआ है यहां पर आगे। अतस्तत्र तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु, ये जो वचन है इस वचन में स्थूल भूतानां उत्पत्ति प्रकरणे याच उत्पत्ति आकाशात् आरभ्यते तत्र कथम प्राणानां उत्पत्ति प्रदर्शयेत। अभी प्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्षी से कि आपने ये कहा ये तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, इसमें प्राणों की उत्पत्ति नहीं कही गई। बोले यहां तो स्थूल भूतों की उत्पत्ति कही गई है आकाश से, तो जब स्थूल भूतों की उत्पत्ति कही गई है तो आकाश से जो पहले की चीजें उसकी उत्पत्ति की कैसे कह सकते हैं? यहां पर व्यक्ति का प्रयोजन ही यही है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो स्थूल भूतों से ही उत्पत्ति वो बताना चाहते हैं, तो पहले वाली उत्पत्ति कैसे कह सकता है वो। और उस पर फिर एक और तर्क युक्ति रख रहे हैं, तत्र तु तन्मात्राणाम अपि उत्पत्ति न दर्शिता अप्रसंगा, प्राणों की ही नहीं तन्मात्राओं की उत्पत्ति भी तो यहां पर नहीं कही गई है, तो क्या आपकी दृष्टि से तन्मात्राएं भी उत्पन्न नहीं हुई है? क्यों नहीं कही गई? अप्रसंगा, प्रसंग ही नहीं है, प्रसंग केवल स्थूल भूतों का है, स्थूल भूत और उसके बाद की उत्पत्ति का प्रसंग है, इसलिए पहले की नहीं कही गई है। स्थूल उत्पत्ति प्रकरणे न तेषां प्रसंग, स्थूल उत्पत्ति का प्रसंग है तो तन्मात्राओं का प्रसंग नहीं है और प्राणों का भी यहां पर प्रसंग नहीं है, इसलिए आप इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि प्राणों की उत्पत्ति नहीं होती है। कई कई बार अड़ जाते हैं ना कई प्रमाणों को लेकर के, हम लोग भी सही कई बार अड़ जाते हैं, ऐसे हमें पूरी स्थिति नहीं पता होती तो उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं देखो यहां तो कहा ही नहीं है, इसका मतलब है नहीं होती है, इसका मतलब है जो नहीं कहा गया है मतलब वो नहीं होता है। आगे, यदि वेदादिभ्यः प्राक् प्राणानाम उत्पत्ति रुक्ता श्रुतिषु, पूर्व पक्षी कह रहा है कि अच्छा यदि प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले श्रुति में कही गई है तो तरही कथम छांदोग्य श्रुतो, बोले छांदोग्य श्रुति में यह कैसे कथन कर दिया गया? अब उत्पत्ति तो सिद्ध हो गई, अब पूर्व में उत्पत्ति कही गई है उस पर यह कह रहा है कि नहीं देखो कुछ वचन तो ये मिल रहे हैं, यहां तो वो क्रम नहीं है। कैसे? देखो ये वचन मिला, अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राण तेजोमयी वागीति, मन कैसा है? अन्नमय है। प्राण कैसे हैं? आपोमय है। और वाक कैसी है? तेजोमयी है। शरीर कैसा है? शरीर के लिए कहा जाता है ना, बोलिए मृणमय शरीर के लिए, ये शरीर कैसा है? मृणमय शरीर है। मृणमय का मतलब
मिट्टी से बना है, मिट्टी इसका उपादान कारण है। मयक प्रत्यय जो कर रहे हैं ये उसके उपादान कारण को बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शरीर मृणमय है या ये घड़ा मृणमय है, ये ताम्रमय घट है, तो कौन पहले होगा? तांबा पहले होगा, मिट्टी पहले होगी, घटा तो बाद में होगा। तो अब देखो यहां पर क्या लिखा है, अन्नमयम ही सौम्य मनः। तो मन किससे बना है? अन्न उपादान वाला है, तो पहले कौन बना? अन्न, और मन बाद में बना। और अन्न से पहले तो वह बताया था उन्होंने, अद्भ्य पृथ्वी पृथ्वीभ्यो अन्नम औषधय, औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुष। तो अन्न से पहले तो महाभूतों की उत्पत्ति हो गई थी, और अब यहां पर अन्नमयम ही सौम्य मन, अन्न से मन की उत्पत्ति कही गई है। और आपोमय है प्राण, आप कह रहे थे कि प्राण पहले उत्पन्न हुए हैं, तो यहां तो जल के बाद में आपोमय है प्राण, तो जल पहले उत्पन्न हुआ है, प्राण बाद में हुआ है। इसी तरह से तेजोमयी भाग थी, तेज तो ये अग्नि महाभूत हो गया, और वाक जो है ये इंद्रिय हो गई, कर्मेंद्रिय की प्रतीक हो गई, या वाक इंद्रिय हो गई, तो ये तो बाद में हो गई। तो इस दृष्टि से तो कहा कि ये गलत आपका कथन हो गया। आगे तेज प्रभृति पे पश्चात आपोमय प्राण इति मयक प्रत्यय ने प्राणोत्पत्ति प्रदर्शते। तेज प्रभृति के बाद, तेज प्रभृति का मतलब यहां पर है जो तेज आदि महाभूत हैं वो, यहां जो तेजोमयी वाग है इस तेज का वर्णन नहीं है, ये तेज प्रभृति पे तेज आदि की उत्पत्ति के बाद में यहां पर आपोमय प्राण है, क्योंकि प्राण शब्द लेना था इनको, इसलिए आपोमय प्राण इति मयक प्रत्यय ने प्राणोत्पत्ति प्रदर्शते। तो उनकी उत्पत्ति पहले कही गई है और बाद में इनकी कही गई, दो तरह से पूर्व और पश्चात देख रहे हैं। एक तो तस्माद वा एतस्माद आत्मनः, ये वाला जो वचन था उसको वो पहले मान करके कथन कर रहे हैं, और एक इसी वचन में भी देखेंगे तो आपस में भी पूर्व और परता है। जैसे आपोमय है प्राण, तो आप पहले है और प्राण बाद में, तेज पहले है वाक बाद में। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं अत्र प्रतिविधीयते, इसका उत्तर दे रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। तो चौथा सूत्र है तत्पूर्वकत्वात् वाचः, वाणी के तत्पूर्वक होने से। वाक मतलब ये जो तेजोमयी वाक है इसको लेकर के, कि वाणी तेजोमयी होती है, मतलब तेज पूर्वक होती है। तत्पूर्वकत्वात् वाचः, भाई वाणी तब तक नहीं निकल सकती जब पीछे तेज यानी अग्नि ऊष्मा ऊर्जा नहीं होगी, तब तक वाणी नहीं निकल सकती, बोलने बोली नहीं जा सकती। वहां पर भी जो कहा गया है आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंगते विवक्षाया, मन कायाग्निम आहंती, काय की अग्नि को करता है, और सब प्रेरित ही मारुतम, वो अग्नि मारुत को प्रेरित करती है, और मारुतस्तु ऋषि चरण मंदम जनयति स्वरम, धीरे धीरे स्वर को उत्पन्न करता है। यानी वहां अग्नि है, अग्नि से वायु की प्रेरणा होती है, यानी ऊर्जा वगैरह नहीं होगी तो वायु कैसे ऊपर आएगी? बल लगता है ना, हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो बल आदि लगता है। तो इसके लिए यह कह रहे हैं तत्पूर्वकत्वात् वाचः, जो तेजोमयी वाक कहा गया उसका यह मतलब नहीं है कि तेज महाभूत उपादान के रूप में है और उससे वाणी वाग इंद्रिय उत्पन्न हुई है। तो वाणी जो होती है वो तेजोमयी होती है, तेज की प्रधानता होती है, उसके माध्यम से वो प्रकट होती है। भाष्य अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी वाग इति, ये जो वचन है अत्र वचने मयट प्रत्यय न वाक प्राण, न वाक प्राण मनसाम उत्पत्ति प्रदर्शते। पहला स्पष्टीकरण है इस वचन में मन वाणी और प्राण की उत्पत्ति नहीं कही गई है, वाक प्राण और मन की उत्पत्ति नहीं कही गई है। ये मयट प्रत्यय के आधार पर आप उत्पत्ति लगा रहे हो और फिर पूर्व पर का खंडन कर रहे हो, ये नहीं है। कुतः यतो ही वाचः तत्पूर्वकत्वात्, वाणी के तत्पूर्वक होने से। वाणी, वाणी कैसी होती है? तत्पूर्वक होती है। तत्पूर्वक मतलब यहां पर इन्होंने, वैसे तो तेज है लेकिन यहां दूसरे ढंग से भी कह रहे हैं, तत्पूर्वकत्वात् को खोल रहे हैं, वाग इंद्रिय से प्राणपूर्वकत्वात्। अब यहां जो देखिए इसमें प्राण और वाक ये दो चीजें दी गई है ना, देखो अन्नमयम ही सौम्यम मनः,
आपोमय प्राण और तेजोमय वाक। तो इसमें मन, प्राण और वाक, ये एक क्रम अलग देखिए, भूतों वाला क्रम छोड़ करके क्या देखिए, वाक से पहले प्राण कहा गया है और प्राण से पहले मन को कहा गया है। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि वाचस तत्पूर्वकत्वात्, वाणी के तत्पूर्वक होने से, तत्पूर्वक मतलब वाक इंद्रिय से प्राण पूर्वकत्वात्, प्राण पूर्व को ही उत्पत्ति संभवो अस्ति वाचः। वाणी की उत्पत्ति प्राण पूर्वक ही हो सकती है, प्राण नहीं है तो वाणी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शरीरे प्राणोत्पत्तौ सत्याम ही वाच उत्पत्त्या भवितव्यम्। शरीर में भी प्राण जब आ जाते हैं, प्राण की उत्पत्ति होती है तो ही वाणी उत्पन्न हो सकती है, प्राण नहीं है तो वाणी भी नहीं आएगी उसकी। किंतु अत्र वचने तु, यहां वचन में तो वाच उत्पत्ति प्राणात् पूर्वम दर्शिता। अब ये जो इन्होंने पंक्ति लिखी है, ये किस तरह से कहां संगत है ये स्पष्ट नहीं है। इन्होंने कहा कि यहां वचन में तो वाणी की उत्पत्ति प्राण से पूर्व दर्शित की गई है। अब ये जो वचन ऊपर दिया है, इन्होंने उद्धृत किया है, इसमें वाणी की उत्पत्ति प्राण से पहले कहां कही गई है? वाणी की उत्पत्ति प्राण से पहले थोड़ा ना कही गई है, पहले प्राण की उत्पत्ति कही गई है फिर वाक की उत्पत्ति कही गई है। यथस्तद वचने तेजोमयी वाग उक्ता, वाणी जो है वो तेजोमयी कही गई। इसको दूसरे ढंग से घटाएंगे, अभी बताता हूं, देखो कुछ संगति लग सकती है। यथस्तद वचने तेजोमयी वाग उक्ता, वाणी तो क्या कही गई है? तेजोमयी। और तेजश्च तेजो अब अन्ना नाम सृष्टि क्रमे तत्र वचने प्रथमम उत्पन्नम। और तेज क्या है? तेज अब अन्ना नाम सृष्टि क्रम, तेज जल और अन्नों के सृष्टि क्रम में पहले उत्पन्न कहा गया है। अब इसको देखो, इस समझने के लिए, हालांकि ये भाष्य जो है जिस तरह से थोड़ी संगति में कठिन है, पर शायद ये ऐसा कहना चाहते हो। देखो इस पंक्ति में जो अन्नमयम ही सोम्यम मना आपोमय प्राण तेजोमयी वागी थी, ये जो वचन है इसमें तीन चीजों की उत्पत्ति अगर माने, मन, प्राण और वाक की, तो प्राण वाक से पहले उत्पन्न हुआ इस दृष्टि से। दूसरी दृष्टि से अगर देखेंगे कि वाक की उत्पत्ति तेज से हुई है और प्राण की उत्पत्ति जल से हुई है, तो तेज और जल में तो तेज पहले उत्पन्न हुआ है, तेज पहले उत्पन्न हुआ फिर जल उत्पन्न हुआ है उस क्रम में। तो चूंकि तेज पहले उत्पन्न हुआ इसलिए वाणी भी पहले उत्पन्न हुई ये मान करके, और फिर जल उत्पन्न हुआ तो जल से फिर प्राण हुआ, तो इसका मतलब प्राण वाक से बाद में आया है, इस तरह से कुछ करके कह रहे हैं। तो उसके लिए प्रमाण वही वचन दे दिया, तस्माद वा इतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निराप अथभ्य पृथ्वी, पृथ्व्या औषधय, औषधिभ्यो अन्नम। तस्माद वाग उत्पत्तिरत्र श्रूयते, वाणी की उत्पत्ति यहां सुनी जाती है। कैसे? तेजो अनंतरम अपाम उत्पत्ति, और तेज के बाद में जल की उत्पत्ति होती है। अध्यश्च प्राण से उत्पत्ति प्रदर्शिता, और जल से प्राण की उत्पत्ति बताई गई है। तदितम वाग अनंतरम प्राणोत्पत्ति रीति न श्रद्धेयम। तो इसमें वाणी के बाद में प्राण की उत्पत्ति, वाणी के बाद में प्राण की उत्पत्ति इति न श्रद्धेयम, ये विश्वास नहीं करना चाहिए। तस्मात अन्नमयम ही सोम्यम मनः इति वचनेन प्राणानाम उत्पत्तिर्वेदादिभ्य प्राक्तनी न विरुध्यते। तो अन्नमयम ही सोम्यम मनः जो वचन कहा गया था, इससे प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि के बाद में हुई है, ये इससे विरुद्ध नहीं जाता है। पूर्व पक्षी तो क्या ले रहा था कि चूंकि इनकी प्राणों की उत्पत्ति जल आदि से हुई है, इससे पता लगता है कि जल आदि के बाद में प्राण की उत्पत्ति हुई है, प्राण की उत्पत्ति जल आदि से पहले नहीं हुई है। पर ये कह रहे हैं कि ये उस तरह से कथन ही नहीं है, इसलिए जो पहले कथन किया गया था प्राण की उत्पत्ति भूतों से पहले हुई है, उससे इसका कोई विरोध नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछता है किमर्थं तर्हि मैट प्रयोग है ना, अगर आप इसकी उत्पत्ति इससे नहीं मानते हैं, इसको उपादान नहीं मानते हैं, जल को प्राण का उपादान और तेज को वाक का उपादान आप नहीं मानते हैं, तो इस मयट का प्रयोग क्यों किया गया? किमर्थम तरही मयट प्रयोग है ना, अन्नमयम ही मना इत्यादि कथनम उच्यते। अब इसका समाधान करते हैं। तत्र वचने मयट प्रयोग पूर्वतः उत्पन्नानाम प्राणादीनाम शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थः। जो मयट प्रत्यय है,
कि जो चीजें पहले से उत्पन्न हो गई हैं उनकी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, इनसे उनकी शक्ति बढ़ती है, उत्पत्ति नहीं कही जा रही है, इससे उनको बल मिलता है ये कहा जा रहा है। तो इन्होंने क्या पूर्वतः उत्पन्न आना, जो पहले से उत्पन्न हो गए हैं, कौन? प्राण वाघ आदि जो ये पहले से उत्पन्न हो गए उनका पूर्वतः उत्पन्न आना, प्राणादीना खोल दिया है स्वयं ही, शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थम, इनकी शक्ति के प्रकटीकरण को प्रस्तुत करने के लिए, इनकी शक्ति अति कहां से कैसे होती है, तत्रैव उपक्रमात् अवसीयते, ये वहीं पर ही उस उपक्रम से भी पता लगती है। यानी ये जो वचन कहा गया था अन्नमयम ही सौम्य मना अपोमय है प्राण तेजोमयी वाक, इस वचन से पहले का जो वचन है उसको ये पहले ये उपक्रम के अंदर ये कहा गया था, उसी प्रसंग में यह वचन कहा गया था। वो क्या वचन कहा गया कि दधना सौम्य मथ्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तत्सर्पिर भवति। तो दही का जो मथा जाने पर दही का जो अणिमा है, सूक्ष्म भाग है, हल्का भाग है, वो ऊपर आ जाता है, तत्सर्पिर भवति, वो सर्पी हो जाता है, घी हो जाता है, सर्पी कह लीजिए, मक्खन कह लीजिए। एवम एव खलु सौम्य अन्नस्य अश्यमानस्य खाए जाते हुए अन्न का यो अणिमा जो सूक्ष्म भाग है स ऊर्ध्व समुदिशति ऊपर जाता है और तन मनोभवती वो मन होता है, वो मन बन जाता है। यानी मनोभवती का मतलब ये नहीं है कि वो, उदाहरण तो ऐसा ही है कि मक्खन ऊपर बन जाता है उसमें से नया बनता है, यानी मक्खन पहले से नहीं था। इसी तरह से मन के लिए भी सोचेंगे कि जो खाना खाया गया है, चबाया गया मतलब मथा गया है, पचा है वो मथा गया है, फिर उसका सार बना और उससे मन बन गया है, तो उस तरह से नहीं देखेंगे। लेकिन इसके सार रूप में मन की पुष्टि होती है, भोजन का जो सार भाग है उससे मन की पुष्टि होती है। इस तरह वर्णन करते हैं कि भोजन का जो स्थूल भाग है, एकदम स्थूल भाग है, वो तो मल के रूप में निकल जाता है, उसका जो थोड़ा स्थूल सूक्ष्म भाग है उससे शरीर का निर्माण होता है, उसमें जो सार निकलता है और फिर उसमें से भी मल मिलता है, उसका भी जो सार होता है उससे मन बुद्धि ये बनते हैं, सार रूप में बनते हैं। अब इसको मन का एक तो सूक्ष्म इंद्रिय है, उससे सीधा संबंध न जोड़ते हुए हम सूक्ष्म इंद्रिय का जो गोलक है बुद्धि आदि उसकी दृष्टि से देख सकते हैं, वो भी उसको भी पोषण चाहिए, भोजन आदि से पोषण चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। तो समुदिशति तन मनोभवती, दूसरा उदाहरण दिया तेज स सौम्य अश्यमान से यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति सा बाघ भवती। तो ऐसे ही जो तेजस भाग होता है हमारे भोजन का, तेज अंश वाला भाग होता है, वो जब हम खाते हैं उसका जो सूक्ष्म भाग होता है वो जो ऊपर जाता है तो वो वाघ बन जाता है, वाणी बन जाता है। अब ये अपने आप में समझने की बात है कि आखिर कैसे और क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का जो विज्ञान है या कुछ कहना चाहते हैं संकेत, ये भी तो हमारे को पंक्तियां मिल गई। लेकिन तेज के खाए जाते हुए, अब तेज कैसे खाया जाता है, अग्नि को तो खाते नहीं है हम, तो हम कहेंगे कि जो तेजस पदार्थ हैं जिसमें तेजो भूत की महाभूत की अधिकता है, ऐसे खाद्य पदार्थ एक संकेत रूप में हम ले सकते हैं। उसको खाने से जो उसका सार बनता है उष्ण द्रव्य होते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से अग्नि प्रधान उष्णता वाले तीक्ष्ण उष्ण तीक्ष्ण जो होते हैं उनसे बुद्धि का निर्माण होता है, उसमें सहायता मिलती है, नहीं बुद्धि का नहीं वाक का निर्माण होता है, वाक की सहायता मिलती है। अभी कैसे है तो अलग बात है, लेकिन यहां जो पंक्ति लिखी हुई है तो इसके आधार पर यह कहना चाहते हैं कि तस्मात सिद्धम इदम यत प्राणानाम उत्पत्ति प्राग वेदादिभ्यो भवति। प्राणों की उत्पत्ति तो आकाश आदि से पहले ही हो जाती है, ये तो केवल इनकी पुष्टि के लिए कथन किया गया है, इनसे उसकी पुष्टि होती है। ये जो वचन था आपोमय है प्राण इत्यादि में पुष्टि केवल होती है उसकी, ठीक है। आगे देखिए तो अस्तु तरही प्राणानाम उत्पत्ति, ठीक है प्राणों की उत्पत्ति होती है मान लिया, कियंत खलुते प्राणा इत्युच्यते, लेकिन वो प्राण कितने हैं अब इस विषय को कहा जा रहा है, चर्चा की जा रही है प्राण कितने होते हैं। तो पांचवा सूत्र है सप्त गतेर विशेषी तत्वात्, तो सप्त प्राण होते हैं सात, क्यों? गति के विशेषित होने से, विशेष प्रकार की गतियां होने से, गतियों के आधार पर प्राणों का निर्धारण किया गया। क्योंकि प्राण गति देते हैं ये मान करके
और जो भिन्न भिन्न गतियां हो रही हैं उन गतियों के आधार पर उनकी संख्या का निर्धारण किया, भी सात होते हैं। तो भाष्य में कहा प्राण सप्त संति सात होते हैं। उतः कैसे पता लगा? गते ही विशेषी तत्वाच गते ही सामान्य अवगते। गति का मतलब है सामान्य गति, सामान्य अवगति। गति का मतलब सामान्य अवगति, सामान्य अवगति। अवगति का मतलब अवगमन, ज्ञान। उसको इन्होंने आगे खोला सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान होने से सामान्य रूप से हमें यह ज्ञान होता है। तथा विशेषितत्वात्, विशेषितत्वात् को खोलने पृथक पृथक विधानाद अपि सप्त, अलग अलग इनका नाम कथन होने से भी। तो गतेर विशेषितत्वात्, अब इसको दो ढंग, यहां तो सूत्र में तो ऐसे गति के विशेषित होने से, और इन्होंने जिस तरह से अर्थ किया वो क्या है, गति से और विशेषित होने से। गति का मतलब ले लिया विशेष ज्ञान होने से, साम्य होने से। विशेष गति मतलब साम्य का ज्ञान होने से, साम्य का होने से, और विशेषित अलग अलग कथन किए जाने से। तद्यथा, विशेष का ही ये कथन कह रहे हैं। मुंडकोपनिषद का सप्त प्राण प्रभवन्ति तस्मात्, उससे सात प्राणों की उत्पत्ति होती है। इति गति ही सामान्यावगति सामान्य विधानम, सामान्य गति सामान्य विधान करके ये कहा, क्योंकि यहां सात कथन किया गया, ये इनका गति का अर्थ हुआ। और वचन दे रहे हैं सप्तवई शीर्षण्या प्राण, शीर्ष में रहने वाले, शीर्ष मतलब जो ऊपर का भाग होता है उसमें रहने वाले प्राण सात होते हैं। सप्तवई शीर्षण्या प्राण, कौन कौन से? दो कर्णौ, द्वे चक्षुषी, द्वे नासिके, मुखंच। तो दो कान, दो आंख, दो नाक और एक मुख, ये सात प्राण कहे गए। अब ये सात प्राण कहे गए, ये ऊपर ऊपर के कहे गए, ऊपर के भाग को कहे गए। तो बाकी को यहां पर ग्रहण नहीं किया गया, इसका यह मतलब नहीं है कि प्राण यानी इंद्रियों और होती ही नहीं है। इति विशेषितास्ते पृथक पृथक नाम भी ही, ये अलग अलग नामों से यहां कहे गए हैं। तस्मात सप्त प्राण, इसलिए प्राण सात होते हैं। एक दृष्टि से यहां सात कहे गए तो सात मान लिया, लेकिन यह प्रसंग क्या है, इसे ऊपर वाला है। आयुर्वेद के अंदर जो रोगों का विभाग करते हैं उसमें एक विभाग होता है ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, जत्रु के ऊपर, जत्रु मतलब ये जो हड्डी होती है, ये भाग जो होता है इसके ऊपर का जो होता है, ऊपर के जो भाग हैं इसके जो रोग हैं। आजकल इसको किस तरह से देखते हैं, ENT अलग होता है और आई वाला अलग होता है, आंखों का अलग होता है और नाक कान गला अलग होता है, नाक कान ईयर नोज और टंग, थ्रोट, थ्रोट टी मतलब थ्रोट, ठीक है। तो नाक कान गला ये एक अलग हो गया और नेत्र वाले अलग हो गए। तो आयुर्वेद में इसको सबको एक ही जैसे लिया हुआ है ऊर्ध्व जत्रु में, और इसको अलग नाम दिया गया, इसको कहा गया शालाक्य, शालाक्य नाम दिया गया। एक तो जैसे शल्य होता है, एक काय चिकित्सा होता है, एक शल्य होता है, एक शालाक्य होता है। काय चिकित्सा तो पूरे शरीर का जो करते हैं, जिसको आजकल फिजिशियन बोल देते हैं, काय चिकित्सक है, और शल्य मतलब तो सर्जन हो जाता है, शल्य चिकित्सक, और ये शालाक्य कहलाते हैं। ये अलग विभाग माना है। शालाक्य क्यों बोलते हैं कि इनमें कुछ भी कार्य करते हैं तो शलाकाएं डालते हैं इसमें। शलाका मतलब रॉड, कुछ ऐसी लंबी चीज, नाक में देखेंगे तो, कान में देखेंगे तो, गले में देखेंगे तो, ऐसे आंख को तो छोड़ दो, लेकिन शलाकाओं का प्रयोग किया जाता है इसके चिकित्सा के अंदर प्रधानता के आधार पर, इसलिए इसको शालाक्य शास्त्र अलग होता है। और आयुर्वेद में वैसे उसको दोनों को मिला करके भी कहा जाता है शल्य शालाक्य। पहले मतलब MD वगैरह जो होती थी विशेष, तो उसमें शल्य और शालाक्य को साथ साथ लेते थे। आजकल शल्य भी अलग कर दिया और शालाक्य भी अलग कर दिया, तो अलग अलग विशेषज्ञता होगी। तो ये जो ऊपर का कहा इन्होंने, ये कहां ऊपर हो गए, कंठ से इधर के ऊपर के भाग को, शीर्षण्य प्राण, शीर्षण्य जो प्राण है ना, शीर्ष में रहने वाले, ऊपर रहने वाले, ये सात प्राण हो गए। तो अब यहां पर भी प्राण का मतलब इंद्रिय लिया जा रहा है, और इंद्रियों में मोटे तौर पे तो जो ये कथन किया गया उससे संगति तो हमारे को स्थूल गोलक इंद्रियों की ही लगेगी यहां पर, ठीक है, उससे अभिप्रेत उसकी सूक्ष्म इंद्रियों का भी ग्रहण यहां पर हो जाएगा।
आगे देखिए, अब उसमें प्रश्न उठेगा क्या यही सात हैं? तो छठा सूत्र कह रहे हैं हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम, बोले हाथ आदि भी तो दूसरी इंद्रियां हैं, इसलिए नैवम केवल सात हैं ऐसा ही नहीं समझ लें उससे, दूसरी भी इंद्रियां हैं। भले ही वहां सात का नाम कथन किया गया, उसका यह मतलब नहीं है कि सात ही होते हैं, वो केवल शीर्षण्य की दृष्टि से कहा गया था। भाष्य देखिए, हस्तादयो अपि संति सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राण, हाथ आदि इन सात के अतिरिक्त भी हैं। हस्तो वही ग्रह, गृहदारण्यक में कहा हस्तो च आदातव्यम च, ये भी कहा तो हाथ है जो ग्रहण करने वाला है, आदातव्य ग्रहण करना। तो अत्र उभयत्र इंद्रिय प्रकरणयोर हस्तादीनाम परिगणनम क्रियते, यहां पर इंद्रियों के परिगणन में हाथ आदि का भी गिनना किया गया है। तच्च सप्तभ्यो अतिरिक्तम, ये सात से अतिरिक्त है। तथा दशे में पुरुषे प्राण आत्मैकादशः, तो बोले यहां पर सात इस पुरुष में यानी ये जो शरीरधारी है इसमें दस प्राण होते हैं। अभी दस प्राण का मतलब पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियों का ग्रहण किया गया है, और आत्मा एकादश है, आत्मा ग्यारहवां प्राण होता है। तो प्राण का मतलब जिससे हमारा जीवन चलता है, तो आत्मा की मुख्यता करके उसको भी प्राण शब्द से कह दिया गया है। अब यहां पर जो आत्मा एकादश है इसमें जीवात्मा अर्थ नहीं लिया, क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण है, इसलिए पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां और आत्मा जो एकादश है। अब आत्मा का मतलब तो सीधे सीधे क्या आ रहा है यहां पर, जीवात्मा अर्थ आ रहा है। अब जीवात्मा को छोड़ के कुछ और अर्थ करेंगे तो अटपटा लगेगा, लेकिन उन्होंने इसके लिए शंकराचार्य जी की पंक्ति दी है। देखिए, अब ऐसे समय में क्या करेंगे, कोई भी विद्वान क्या करेगा जब ग्यारहवां आत्मा है? अब या तो कहेंगे कि आत्मा भी चूंकि प्राणवत है, जीवन देता है, इसलिए आत्मा को भी प्राण कह दिया गया। लेकिन अगर कह नहीं प्राण का मतलब तो इंद्रियां ही हैं, तो अब यहां आत्मा का अर्थ क्या करेंगे? तो देखिए, आत्मशब्दे न अत्र अंतःकरणम परिक्रियते, आत्मशब्द से यहां पर अंतःकरण का ग्रहण किया गया है। क्यों? हेतु दिया करणाधिकारात्, करण का अधिकार चल रहा है, करणों के बारे में बात चल रही है, तो आत्मा शब्द से भी जिसका ग्रहण होगा वो करण ही होगा, वो स्वयं कर्ता नहीं हो सकता। इति शंकर भाष्यम, शंकराचार्य जी ने ये अर्थ किया। ठीक है, अब प्रथम दृष्टया तो उठपटा लगेगा ना कि भाई ये क्या है, आत्मा का मतलब अंतःकरण कर दिया, जैसे महर्षि दयानंद के बहुत से अर्थों के लिए कहा जाता है ना, यहां इसका ये अर्थ कैसे कर दिया? चूंकि जो अगर सीधे सीधे अर्थ आ रहा है वो वहां संगति नहीं लग रहा है, प्रकरण करणों का है, तो इसलिए आत्म शब्द से अंदर की कोई चीज ले लेनी है, आत्मा भी अंदर होता है, तो अंतःकरण ले लिया इन्होंने। ये शैली व्यापक है, संस्कृत में लेना ही होता है उनको, इसी तरह से होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इति च शंकर भाष्यम, आगे तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती, प्राणम अनुत्क्रामंतम च सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, उसके उत्क्रमित होने पे, आत्मा के होने पे प्राण भी बाहर निकलने लगते हैं, और प्राणों के नहीं, उसके आत्मा के ऊपर होने पे प्राण, ये प्राण अलग चीज हो गई, और प्राण के होने पर, मुख्य प्राण के होने पर सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, बाकी भी चले जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। एवं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि च दशई दश एकादशम अंतःकरणम इति एकादश प्राणः, तो पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां और एक अंतःकरण करके ग्यारह संख्या दी। स्थिते इति सिद्धांते स्थिते, सूत्र में जो स्थिते का है, ये सिद्धांत के स्थित होने पर, अतः न एवं तस्मात नैव सप्त प्राणानाम सिद्धांत समीचीन किंतु अयुक्त एव सा, तो सात ही है ये। Oh.
सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति।